पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से हम अक्सर बात करते रहें अपने प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस भी करते रहें और काफ़ी लोग सीपेक के हवाले से जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी अन ये एक गेम चेंजर होगा और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी इस प्रोजेक्ट से अब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ओवरऑल अगर देखें तो फोटी बिलियन अमेरिकन डॉलर का प्रोजेक्ट काम शुरू हो गया है जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि गौदर में ये बताएं कि किस हद तक तेज़ी से काम हो रहा है तो एक वक्त था कि 2002 से लेकर 2006 तक बड़ी तेज़ी से हुआ था काम लेकिन उसके अच्छा, बाद फिर कुछ सुस्त रवि का शिकार रहा और 2006 से तो लेकर 2008 हज़ार नौ तक कोई ऐसा सच इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं रही लेकिन पिछले कोई तीन साल में जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो पिछले तीन साल से वो कह रहे हैं कि जो भी वहाँ पे लोग हैं कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है वो काम जो पिछले तीन साल में हुआ वो पिछले दस साल में भी नहीं हुआ इसको देखते हुए तो ये लगता है कि ये जिसम प्रोजेक्ट की बात करें चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर दिस इज़ गोइंग टू तो हेल्प पाकिस्तान लॉट इससे पाकिस्तान की मीशत फिर अगर हम बात करें तो जी काशगढ़ से लेकर ग्वादर तक जिसम प्रोजेक्ट की बात करें ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा इसके ज़रिए पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और डाउटली अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सिनारी बन रहा है पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें हम और हम अगर बात करें कि जी इन द डेज़ टू कम पाकिस्तान की जो इकनॉमिक प्रोग्रेस है उसको ख़ास तौर पर कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से अब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कोरिडो ये टोटल जो प्रोजेक्ट रोड ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं जब इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ लाजमी डिस्कस की जानी चाहिए कि जी रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या मसाइल आ सकते हैं क्या हम तैयार हैं पाकिस्तान में जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं हम कहते हैं कि जी कोई ढाई लाख के करीब पाकिस्तान में ट्रक्स हैं लॉरीज़ हैं आ, क्या ये इस वक्त जो हमारा सेटअप है सफ़िशेंट है ये इस सिस्टम को हैंडल कर पाएगा या इसके लिए हम तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो वो किस हद तक बेहतर तरीके से हम आगे उसमें बढ़ रहे हैं कितनी ट्रक्स कितनी लॉरीज़ मज़ीद उसमें ऐड होंगी कितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के हवाले से क्या मसाइल पेश आ सकते हैं और जब हम जीडीपी में बात करते हैं अक्सर ये कहते हैं कि जी स्टोरेज कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का हमारी जीडीपी में 13.4 परसेंट का शेयर है काफ़ी बड़ा शेयर है इस सेक्टर को प्रमोट किया जाना चाहिए अब ये तमाम इश्यूज हैं जिसको हम आज से करेंगे जिस पर तजिया करेंगे और कोशिश करेंगे कि खासतौर पर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल सामने आ सकते हैं सी पैक में उसको हल करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए इसी हवाले साजब में इस में ज्वाइन किया है जावेद रशीद असगर आरानी साहब ने आप सदर है, पाक हैं पाक चाइना क्लब के जावेद साहब को काम शामिल करते हैं वालकम सबसे सब पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में जो ज़ाहिर इतनी बड़ी सड़क बन रही है काशगर से लेकर ग्वादर तक ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं ये जैसे ही काम शुरू होगा फ़ौरी हल हो जाएंगे इसलिए कि हम तैयार हैं हमने तैयारी की हुई है इस पे काम पाकिस्तान कर रहा है चाइना कर रहा है दोनों मिलकर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर कर रहा है कौन कर रहा है बिसमी खलील साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस बहुत ही अहम और सेंसिटिव इशू पर मुझे आज यहाँ दावत दी ताकि मैं अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो रोल है सी पैक में उस पर अपने ख़्यालत का इजहार कर सकूँ आपका कहना ये बिल्कुल बजा है इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन साढ़े चार लाख से पाँच लाख के करीब गुड्स ट्रांसपोर्ट वहीकल्स हैं साढ़े चार लाख साढ़े चार लाख के करीब अच्छी कंडीशन में है नहीं जी सारी पुरानी और नई छोटी और बड़ी सब वहीकल्स जो हैं वो तकरीबन साढ़े चार से पाँच लाख हैं ठीक इस वक्त कराची पोर्ट जो है कराची पोर्ट से अप्रॉक्सीमेट ढाई से तीन लाख मेट्रिक टन कार्गो कराची पोर्ट से पोर्ट कासम से विंदर इंडस्ट्री स्टेट से हब इंडस्ट्री स्टेट से साइट इंडस्ट्री स्टेट से करंगी इंडस्ट्री स्टेट से लांडी इंडस्ट्री स्टेट से नूरियाबाद इंडस्ट्री स्टेट से और इवन ग्वादर से भी जो फर्टिलाइज़र वगैरह आ रही है उसमें तकरीबन ढाई से तीन लाख मेट्रिक टन कारगो रोज़ाना अप कंट्री के लिए ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है इस वक़्त हमारे मुल्क में साढ़े चार से पाँच लाख ये जो गाड़ियाँ हैं अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वेड पे जाते हैं तो ये गाड़ियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं ये भी हमारी मौजूदा ज़रूरियात को पूरा नहीं करती यानी हमारी जो मौजूदा ज़रूरत है उसको ही पूरा नहीं कर पा रही जो नहीं कर और ये सब की सब प्राइवेट सेक्टर में या आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात गवर्नमेंट सेक्टर में तो जी देखें एनएलसी है एनएलसी और रेलवे का शेयर जो है वो बशक दस परसेंट से कम है दोनों को मिला के दोनों को मिलाकर नाइन्टी परसेंट शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है सारा मतलब मुल्क की इकोनॉमी की ट्रांसपोर्टेशन का सारी जिम्मेदारियाँ जो है नाइन्टी परसेंट बल्कि नाइन्टी टू परसेंट था अभी थोड़ी डेवलपमेंट हुई है रेलवे की वजह से तो ये नाइन्टी परसेंट जो है ये प्राइवेट सेक्टर अदा कर रहा है अच्छा दूसरी इसमें एक आपको मजे की ये बात बताऊँ कि इतने अहम रोल के बावजूद ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री सो फार इसमें बात भी तो हुई थी मेरे घर में काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी हुई थी शायद मेरे घर में सेनेट वगैरह में भी बातचीत हुई थी, थी इस वाले से जी 2006 या सात की बात है उस वक़्त जहांगीर खान तरीन साहब जो थे वो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज थे परवेज मुशरफ़ साहब की गवर्नमेंट में ठीक है उस वक्त हमारी उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई काफ़ी डेवेलपमेंट हुई थी मेन मोटो ये था कि हाउ टू तो मॉडर्नाइज ट्रकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान ठीक है उस सिलसिले में काफ़ी सफारशात भी पेश हुई और हत्या के गजट नोटिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान जारी हो गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज बिन डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री बट आज तक उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई ये चीज़ें सेनेट में डिस्कस हुई थी पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी कहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी आ, वो ए, एक दूसरी चीज़ आपको बताऊँ आ, अभी तो हम सी पैक की तरफ जा रहे हैं लेकिन बेसिकली हमें चीज भी ये बतानी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो किसी कानून जबते के तहत नहीं हो रही क्या कह रहे हैं अठारह सौ यस सर क्या कह रहे हैं आप? यस सर, सर अठारह सौ पूरे मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्ट किसी कानून के तहत नहीं हो रही नहीं हो रही इसमें कोई, कोई लॉ नहीं है गवर्नमेंट का कोई रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है जिस कानून के तहत हो रही है वो अंग्रेज़ के दौर का अठारह का बना हुआ कानून है उस वक़्त जो ट्रांसपोर्ट का मैार होगा वो आप खुद बखूबी समझ सकते हैं तो इस सिलसिले में 2010 में से स्टैंडिंग कमेटी जो है कौमी असम्बली की उसमें हमने इस पे काम किया मैंने रिप्रेजेंटेशन किया 2004 से लेकर 2013 तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तावन से उसका कौन नाम कर रहे थे? उसका नाम है एन टी टी एफ सी नेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन कमेटी ठीक है उसका बेसिक काम यही है अभी काम कर रही है वो उसका काम यही है कि हाउ टू मॉडर्नाइज ट्रैकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान हाउ टू फैसिलिटेट ट्रेड इन पाकिस्तान उसको कौन हेड कौन कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के ये सारे जो सेक्ट्रीज हैं हाँ। वो आते हैं लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया उसमें हमने उस पर एक कैरेज ऑफ गुड्स बाई रोड बिल ड्राफ्ट किया हाँ। और बैरिस्टर शाह जमील साहब जो थे वो इसके कंसल्टेंट थे वो बनाकर कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कम्युनिकेशन में पहुंच गया कौन से साल में 2010 से वहां पड़ा हुआ है 2010 से पड़ा हुआ वहां से, सिर्फ वा, साल हो वहाँ से सेनेट में गया वजुहत है, है की ये चीज आगे नहीं कोई तो हिट होगी ना कोई तो बात होगी सर जब कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में एक चीज चली जाती है तो वो जो ऑब्जेक्शन थी वो दूर होगी अब तो यह है की कैबिनेट डिवीजन में वो आ, मतलब वहाँ पड़ा वहां से पास होने का वो कौमी असम्बली में दोबारा उनको लेके जाना पास होने के लिए अगर असम्बली के मेम्बर की तनखाओं का, तो का मसला होता उनकी सैलरीज का मसला होता उनके अलाउंसेस का मसला होता मैं कहता हूँ जी वो उसके लिए देर ही नहीं लगनी देर नहीं, नहीं लगनी थी, थी। बिल्कुल और आप ये समझे कि तौर पर कर देना था उसको देखिए लॉजिस्टिक से नुकसान किया मुल्क की मुताबिक लॉजिस्टिक्स की इनफिशियंसीज़ की वजह से हमारी जीडीपी को सिर्फ चार फीसद का नुकसान हर साल में होता है सिर्फ चार यानी इसका मतलब कि अगर पिछले माली साल में हमारी जीडीपी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर 4.7 परसेंट हुई थी अगर लॉजिस्टिक्स में इनफिशियंसीज़ नहीं होती तो ये 8.7 परसेंट होती यानी इतना अहम सेक्टर है ये लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ आगे नहीं बढ़ रही अब मैं अर्ज करूँ कि गवर्नमेंट तेरह शरिया चार या तेरह शरिया पाँच तो एक्सेप्ट करती है कि जीडीपी शेयर है गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्टोरेज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेकिन हमारा दावा है कि ये पंद्रह से ज्यादा है ठीक है अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे इनको अब ये देखें क्यों, क्यों वैसे ये बताएं गवर्नमेंट गिटी क्यों नहीं गवर्नमेंट को स, मैं समझता हूं कि जो मिनिस्टर्स हैं इनको देखने वाले हाँ। उनको मुल्क की इकोनॉमी के बारे में कुछ मानो में अच्छा ही नहीं। <laughs> कौन से मिनिस्टर यानी इसको तो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर ही देखते होंगे ना कॉमर्स मिनिस्टर ही देखते होंगे ना बस सर सारे आ जाते हैं ना इसमें देखें ना नहीं नहीं नाम देखिए नाम ले लें अब तो वो वक्त वो जमाने गए के नाम लिए बगैर बातें होती थी हाँ जी अब तो नाम लें इसलिए कि पता तो चले कि कौन कॉमर्स मिनिस्टर देखिए सर वो उनको तो आ, हमारे मुल्क में तो ये है कि सिर्फ टैक्स लगा दिए जाएं उनकी वसूली कर ली जाए और वहाँ पे उसका बोझ डाल दिया जाए आई एम से इंस्टालमेंट से हमें इजीली अवेलेबल हो जाएं और उनकी शराय पूरा करते हुए अवाम पे टैक्स का बोझ लाद दिया जाए ये काम इस, इस तरह की बातें बाद और, और ये, ये भी दोबारा एक नई इंस्टॉलमेंट मिल रही है हम इस पे और कहेंगे अच्छा हुआ दुबई कहते हैं बड़ी कपशप हुई अब टर्की को अपना मॉडल करार देते हैं ठीक है ना दो अपने दो दो में जिस वक़्त तयबगान साहब आए उस वक़्त तर्की आई एम एफ़ का भारी मकरूज था भारी मकरूज था लेकिन उन्होंने आते ही देखें जो लीडरशिप होती है वो डिसीजन करती है और लीडरशिप जो होती है वो लीड करती है सही बात है तो उन्होंने कहा कि हम आज के बाद आई एम एफ़ से कर्ज़ा नहीं लेंगे उन्होंने नहीं लिया उन्होंने अपने एक्सपेंसिस जो है वो कट किए कौम तरक्की ऐसे करती हैं खलील साहब आप ये देखें कि तयबरदगान साहब के वालद तय वर्दगान साहब के वालद इस वक्त भी अपने अपनी मेहनत खुद करते हैं एक खराद खुद चलाते हैं अगर आप कहें तो मैं आपको उनका व्हाट्सअप फॉरवर्ड कर दूंगा उन्होंने ये फायदा नहीं उठाया कि मेरा अभी मेहनत करके काम जी काम करते अभी हैं, भी रोजी कमाते उन्होंने डिसाइड किया कि हमने आज के बाद आईएमएफ से कर्जा नहीं लेना उन्होंने नहीं लिया उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कट किए जिस तरह से किया अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया को इंडस्ट्री को डेवलप किया उन्होंने उन्होंने अपने मोटरवेस बनाए इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल पार्क बनाए दो में उन्होंने आई एम एफ को के सारे वाजबाद सारा कर्जा अदा कर दिया और ऐलान किया कि आई एम एफ को अब पैसे चाहिए तो वो हमसे ले ले क्या बात है ये बताएं कि आपका बिल वहां से निकलेगा नहीं कैबिनेट में पड़ा हुआ है ये कैबिनेट में बड़ा मज़े छुपा के रखा हुआ है कि इसको खराब ना हो जरा हाँ मेरे को संभाल के रखा हुआ है कहीं इस पे गुदाग डब्बे ना लग जाए <laughs> पिछले दिनों अपने आ, मैं ट्रेवल कर रहा था मेरे साथ आगे अपने फजलर रहमान साहब बैठ गए मौलाना फजल रहमान मैं भी जा रहा था तो मैंने उनके सामने भी ये चीज़ रख दी मैंने कहा खुदा के बंदे को आप इतना असम्बलियों में बाकी बातें करते हैं तो हमारा ये बिल है इस पर भी कुछ बात करते हैं मुझे हंसने लगे कहते हैं, मैं इन बात करूंगा लेकिन मैं आपको साची बताऊं हमारे मदरसे भी वो पुराने गुन के दर जा रहे हैं hmm. <laughs> मतलब देखिए जिसका काम है ना अब ये काम मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब का नहीं है ये काम है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का ट्रांसपोर्टेशन हाँ मिनिस्ट्री का तो जिस देखिए मुझे अपना काम मैं एंकर पर्सन हूँ मुझे एंकर पर्सन वाला काम करना है हाँ जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये चीज़ आती है जब ये पता भी है कि पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स के हवाले से जब बात करते हैं हम कहते हैं जी इनफिशियंसीज़ हैं हालाँकि प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इनफिशेंसीज़ हैं इनको दूर करें रोड्स को बेहतर करें नई नई गाड़ियाँ लाएँ तो उससे बेहतरी आएगी इकॉनमी में हम बेहतरी देख पाएंगे लेकिन देखिए इसका जी मैं आपको एक बात बताऊँ अभी ऑटो ट्रेड ऑटो पॉलिसी अनाउंस की है ख्वाजा आसफ़ साहब ने इनको कारों के सम मैं समझता हूँ पता ही नहीं कि आटो क्या चीज है इन्होंने सारा जोर कारों पे रखा हुआ है बिक कार जो है लग्जरी जो उसे अफोर्ड करेगा वो पजेरो भी ले लेगा ले 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 वो लैंड क्रूजर भी ले लेगा ले 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 और वो मेहरान भी अफोर्ड कर सकता है वो कार्गो मुल्क की इकोनमी जो है अगर आपको मुल्क के कार्गो को मूव करना है इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करना अपनी एक्सपोर्ट को बूस्टअप करना अगर आपको अपना इम्पोर्ट कार्गो कराची पोर्ट से शॉर्ट टाइम में अपनी फैक्ट्रीज तक लेके जाना है दुनिया का मुकाबला अपने तजारत से करना है बिल्कुल ठीक तो आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर तोज् देनी होगी कारों पर तोज्ह देने की जरूरत नहीं है अगर आपकी जेब में पैसा होगा आप पजारो पी ले लेंगे सब कुछ ले लेंगे और जब आपका कार्गो आपका इंपोर्टेड कार्गो आपका रॉ मटेरियल, आपका फिनिश प्रोडक्ट तजारत ही नहीं होगी तो फिर चीजें कैसे नहीं पहुंचेगा कितनी अहमियत है पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता हो इसलिए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है खास तौर पर सीपेक के बाद जो अहमियत बढ़ेगी पाकिस्तान की उसका अंदाज़ा शायद को ही कोई लगा सकता है तो इस चीज़ को हमें कैच करना चाहिए कि यार हम इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे हैं अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं और फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है लेकिन हम शायद मैं आपको बताऊं इनको इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि हम सी पैक सी पैक का शोर मचाया हुआ है और भी इसमें अगर हमारी हमें हेल्प फ्रेशते तो नहीं आके करेंगे देखो काम करना है मैं खलील साहब आपको एक बात बताऊँ जो मैं सोचता हूँ जो मैं समझता हूँ कि बर सज़ीर के, के मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने एक उन्नीस में 1947 में अपना क़रम किया कि हम हिंदू बनिए से आज़ाद हो गए उनके साहूकारी निज़ाम से निजात पाकर पाकिस्तान बन गया ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए के, के, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसको डेवलप करते हम दुनिया में एक मतलब एशियन टाइगर नहीं बल्कि वर्ल्ड बन बनकर उठते और बन सकते हैं बन इतनी सकते। अभी भी बन सकते हैं सेकंड क्या है लेकिन लेकिन हुआ गया कि शुरू से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारे पॉलिटिशियंस ने इस मौका को जाय कर दिया और अभी जाग नहीं रहे शायद। अभी तक जाग नहीं रहे अभी भी ये कहते हैं कि वो कहते हैं ना मुफ्त की पीते थे मैं और ख्याल करते थे रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन आई एम एफ पैसे देता रहेगा हम खाते रहेंगे इसमें से और कर्जा प्रोजेक्ट्स में से किक बैक उत, आती रहेगी आब शोर भी बनती रहेगी पैसा भी बाहर जाता रहेगा दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है अल्लाह ताला ने हमें जो दी है वो सी पैक की सूरत में दी है फाकई दी है इसमें पाकिस्तानी हुक्मरानों का कोई रोल नहीं है ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ये है। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक गोल्डन मौका फरहम कर दिया है बिल्कुल इट इज अ गेम चेंजर इट इज आप ये देखें कि चाइनीज कॉम नेशंस जो है कोई भी दुनिया की अगर कोई नेशन है वो तरक्की उस सूरत में करती है जब वो बहुत दूर से सोचती है विजन हो आपका विजन होता है अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने देखा उनके पास इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं जाहिर है जी हमारा इंटेलिजेंस इदारा उनके भी इंटेलिजेंस इधारे हैं उनको ये चीज़ सामने क्लियर नज़र आ गई कि अमेरिका इंडिया को चाइना के मुकाबले में हर तरह से मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं यही वजह कि सिविलर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उनको प्रमोशन दी जा रही है दूसरा उन्होंने यह ख्याल कर लिया कि किसी भी टाइम किसी आ, किसी भी वार के सिलसिले में आ, के नतीजा में यह बहरा हिंद को बंद किया जा सकता है उनके लिए तो ऐसी सूरत में उनकी इकॉनमी का सत्यानाश हो जाएगा इसको कंटिन्यू कीजिएगा हम बात करें नाज्रीन के सी पैक के हवाले से जब भी हम अक्सर बात करते हैं अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं कि एक ब्लेसिंग है और ये प्रोजेक्ट जब कम्प्लीट होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी में हम बहुत बेहतरी देखेंगे लेकिन क्या इसके लिए हम तैयार हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के वाले से बात करें कि ये जो इतने बड़े लेवल पे मोमेंट होगी इसको हैंडल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वक्त तो ब्रेक का साथ रहिएगा वेलकम नाजरीन बात करें कि पाकिस्तान में लॉजिस्टिक सेक्टर के हवाले से कितना ज़्यादा काम हो रहा है अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे तो हमारे मेहमान ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताई जो शायद हमारे हुक्मरानों को जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ में हैं जो रेलिवेंट <coughs> स्टैंडिंग कमेटीज़ में हैं उनको इस हवाले से लाजमी सोचना चाहिए इसलिए कि जब लाइव प्रोग्राम्स में इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं तो उसका मकसद ये होता है कि इन तमाम चीज़ों को हल किया जाए ठीक तरीके से अगर कोई हर्डल्स हैं तो उनको रिमूव करके बेहतर तरीके से कोई सोलूशन सामने लाया जाए ताकि ये तमाम चीज़ें ठीक तरीके से आगे बढ़ पाएँ असल मकसद तो ये होता है कि हम इन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट करें ताकि अगर ये चीज़ें बैकड्रॉप में चली गई हैं इनको एक डब्बे में बंद करके रख दिया गया है तो इनको निकालें वहाँ से इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचें और उन चीज़ों को लाजमी डिस्कस किया जाए अभी यही डिस्कशन हो रही थी कि अगर तनख्वाहों का मसला होता अपना तो शायद वो बिल बड़ी जल्दी सामने आ जाते लेकिन ये बिल जो पाकिस्तान में लॉजिस्टिक सेक्टर के हवाले से वो 2010 से अभी तक पड़ा इस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा आप सी पे कवाले से हम बात कर रहे हैं जाहिर है जब पाकिस्तान में अभी इसी इसी प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले हमारे मेहमान ने कहा कि जी पाकिस्तान में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बगैर किसी कानून के यानी जो कानून है वो बहुत ही पुराना कानून जो उन्नीसवीं सदी का है वो अभी तक चल रहा है क्या वजूहत हैं कि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं जावेद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट की अगर ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं ये जब मर्चेंडाइज़ मूवमेंट होती है चीज़ों की तकरीबन 96 परसेंट जो मर्चेंडाइज मूवमेंट होती है वो तो ट्रक्स के जरिए ही हो रही है हालांकि होनी तो चाहिए कि रेलवे के जरिए से वो बड़ा इकनॉमिकल है सर इकनॉमिकल तो है लेकिन अब ये देखना रेलवे का जो नेटवर्क है अब ये भी एक मजे की बात है कि अंग्रेज़ अपने दौर में रेलवे का जो रेलवे ट्रैक बिछा के गया था उस रेलवे ट्रैक में तकरीबन 20 फीसद जो है वो कमी आ चुकी है बहुत से उन जगहों की तरफ जाने वाले ट्रैक वैसे ही ख़त्म हो गए पटड़ियाँ उठा के लोग ले गए बंद होने बेच दी हाँ जी तीन डब्बे वाले को जी जी उठा के ले गए <laughs> और वो जहाँ भी चले गए देखें यार अब मसला ये है कि हमारे मुख्तलफ़ शहर हैं सर हर जगह पर रेलवे का नेटवर्क मौजूद नहीं है सही बात है होना चाहिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए हम ये नहीं कहते बिल्कुल होना चाहिए लेकिन चूंकि ये मेन बड़े बड़े शहरों की तरफ ही है इसलिए एन एल सी गवर्नमेंट की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद हर साल ये लॉस में होती है गवर्नमेंट क्या एन एल सी हर नहीं, साल लॉस में होती है सर उस उसकी वजह बताए उसकी वजह इनके ड्राइवर जो हैं वो चार सौ एक ड्राइवर होता है इनकी गाड़ी पे हमारी गाड़ी पे दो ड्राइवर होते हैं एक चलाता है एक सोता है इनका एक ड्राइवर होता है वो ये कि जी 400 किलोमीटर के बाद गाड़ी उसने खड़ी करके सो जाना है माशाल्लाह, इन्हें 400 किलोमीटर का फासला तय किया उसके बाद फिर असो गया तीन चार घंटे आपने बड़े आराम से नहीं नहीं। जो उनका शेड्यूल है उसके मुताबिक उसने सो जाना क्या बात अच्छा और कोई पूछने वाला नहीं है पूछने वाला किसी ने पूछना नहीं है भाई कहाँ आप पहुंचे क्या कर रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुकम्मल सहूलत है सोने पी, सोने की हर हर तरह की सोने की भी है नुकसान हो गया तो उसकी परवाह नहीं है वो साल के बाद उनको वो मिल जाना है मतलब के लॉस जो है वो बराबर करके गवर्नमेंट ने उसको चलाना है कोई इसमें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बनाया गया था कि आर्मी के डिफेंस के लिए यह इस्तेमाल होगा अच्छी चीज है लेकिन अच्छी चीज को अच्छे तरीके से चलाना सही बात है सही बात प्राइवेट सेक्टर को कोई फैसिलिटी नहीं अगर मैं गाड़ी नई खरीदना चाहूं तो मुझे बीन ट्रांसपोर्टर कोई फैसिलिटी नहीं है जिस रेट पर बैंक से आप लीजिंग ले सकते हैं उसी रेट पर मुझे मिलेगी अच्छा एक गाड़ी की कीमत बताएं कम से कम सर जो ए, टू पी की गाड़ी है जो सब ए, मतलब गाड़ियाँ तो मुख्त किस्म की हैं सर को मल्टी एक्सल लो बैड ट्रेलर आ जाते हैं नॉर्मल जो, जो मिनिमम और मैक्म हाई बैड ट्रेलर जो चल रहे हैं ना मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ टू पी की गाड़ी जो है वो तकरीबन एक करोड़ चालीस लाख रुपए में बनती है और एक करोड़ चालीस लाख रुपये जब आप बैंक से लेते हैं हाँ जी तो कितने फीसद पे फाइनेंसिंग आपको होती है सर वो ये जो ऑटो रेट चल रहा है ना एग्जैक्टली exactly वही है वही रेट है हालांकि होनी चाहिए तीन चार फीसद पे इंडस्ट्रियल रेट होना चाहिए ना सर इंडस्ट्रियल अगर डिक्लेयर करें इंडस्ट्रियल रेट हो अच्छा उसका क्या है दो तीन चीज़ें इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है पहली बात तो ये है कि जी हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने तीन चार कंपनियों के इजारा दारी कैम की हुई है निशान है हीनो है अभी एक डेवो वाले आ गए या फे आ गए और कोई माई का लाल नहीं है इन्होंने आपस में कार्टल बनाया हुआ है जो गाड़ी की एक्चुअल को प्राइस है उसमें ठीक ठाक इन्होंने प्रॉफिट अपना रखा हुआ और अब ये देखना इतना प्रॉफिट है कि वो गाड़ी इतनी महंगी पड़ रही है ये जो महंगी पड़ रही है ये इसमें कसूर किसका है कार्टलाइजेशन बना हुआ है जी। चार कंपनीज आप... का जिनके नाम लिया आपने जी जी ये मिलके लोगों को आप हाँ, ख्याल में जी जी मिल के ये अपना रेट जो है फिक्स कर लेते हैं और उस रेट के मुताबिक जो है आगे देते हैं गवर्नमेंट को ये चाहिए जो मैं इसमें आपने कोई कंप्लेन की कंपटीशन पाकिस्तान वगैरह को एनटीटीएफसी की मीटिंग में ये लोग सारे बैठे हुए थे तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था मैंने वहाँ ठीक ठाक इनको मतलब वहाँ पे चीज़ें बताई चीज़ें बताई ये कुछ चरसा पुरानी बात है उस वक्त आप ये देखें कि ये कारों पे कोई यूरो टेक्नोलॉजी यूरो वन वगैरह लेके जा रहे थे इन ये गाड़ियाँ पुराने थी हर साल बत्तियाँ चेंज करते हैं बत्तियाँ चेंज करके नया मॉडल ले आते हैं हमारे शोर करने के बाद फिर ये यूरो दोबारा बताएं कि क्या बत्तियाँ चेंज करके क्या करते हैं बत्तियाँ चेंज करके नया मॉडल पेश कर देते अब क्या हुआ कि इन लोगों ने हमारे शोर करने पर यूरो वन टेक्नोलॉजी आई है ठीक है दुनिया यूरो फाइव सिक्स पे चल रही है ठीक है नहीं तो हमें तो बहुत पीछे लेके चलते हैं ये लोग अब हमारे ख्वाजा आसफ साहब ने ऑटो पॉलिसी अनाउंस कर दी अच्छा उनके ख्याल में ऑटो पॉलिसी जो है वो सिर्फ कारों की पॉलिसी है अच्छा उनको बाकी भाई आपकी जेब में पैसे होंगे तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी ले तो लेंगे उसमें जो बड़ी गाड़ियाँ की बात करते हैं इनका जिक्र नहीं है सर स्पेशली जो हम चाहते हैं ना जब ये सी पैक की बात करते हैं सी पैक का डंडोरा पीटते हैं वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कोई लाकर इनके मुंह में नवाले नहीं डालेगा सही बात अगर इनको सी पैक में अपना एक खातरखा शेयर लेना है तो इनको गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फैसिलिटेट करना होगा इनको अपनी ऑटो पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा क्या करें ऑटो इनको ये कहना चाहिए कि जो दुनिया भर की हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनको फैसिलिटेट करें उनको टैक्सों में राय दें <coughs> उनको यहाँ वन विंडो ऑपरेशन के जरिए वो बोले कि जनाब आप यहाँ आके अपने कारखाने लगाएं जब ज्यादा कारखाने लगेंगे तो यह कार्टल नहीं रहेगा और रेट्स कंपटीशन की वजह से कम आएंगे अब देखें ना एक आपके ख्याल में करी गवर्नमेंट सर मेरे ख्याल में कम अज कम कम अज कम थर्टी से फोर्टी परसेंट प्राइस कम हो जाएंगी रियली really? जी अगर इस तरह का कंपटीशन competition... जी जी आप बड़ी गाड़ियों के रेट्स बाहर जाके तो पूछें ना जो बाहर चल रही हैं इधर दुबई में भी चल रही हैं जापान में चल रही हैं सिंगापुर में चल रही हैं जर्मनी में चल रही हैं <coughs> सॉरी अच्छा तो इसका मतलब कि अगर इस ऑटो पॉलिसी में रिविजन किया जाए और जो रिकमेंडेशनस आपने दी हैं वो लाई जाएं तो इसके ज़रिए रोड ट्रांसपोर्टेशन में हम एक इनकलाब देख सकते हैं सर इनकलाब बहुत बड़ा इनकलाब। वरना आप ये याद रखें कि अब ये सी पैक जो बनने जा रहा है उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं 2021 में इसने कंप्लीट होना है फर्स्ट फेज तो 2017-18 में आ जाएगा पूरे कंप्लीट होने का पूरे जब यह ऑपरेशनल हो जाएगा ग्वादर पोर्ट से 400 मिलियन मेट्रिक टन सालाना यानी 40 करोड़ टन सालाना मूवमेंट होगी मर्चेंडाइज की इस वक्त हमारे मुल्क में मैंने अर्ज़ किया साढ़े चार से पाँच लाख गाड़ियां हैं सी पैक की कंप्लीशन पर हमें 10 लाख गाड़ी की ज़रूरत है और पाकिस्तान लिए। बनने से लेके अब तक हमारे पास चार साढ़े चार लाख है तो दस लाख गाड़ियाँ की मजीद जरूरत है अगर हम सोए रहे खाब खरगोश में आप तो दस लाख गाड़ियों की बात करें सर मैं अर्ण... मुझे याद पड़ता है कि कुछ अर्सा पहले ये बात हुई थी कि जी एक हजार <coughs> ट्रक्स का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और मिनी वर्कशॉप्स होंगी कोई 200 किलोमीटर के फासले पे इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी सामने आ रहे थे लेकिन वो भी नहीं हो तो एक हजार नहीं होती दस लाख गाड़ियाँ कहां से आएंगी सर आएंगे? ये दस लाख गाड़ी एक्चुअली यहाँ जरूरत पड़नी है अब उसमें क्या होगा अगर तो ये इससे फायदा उठाना चाहते हैं सर सर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है ना सर ये बॉर्डर क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होने जा रही है ऑन कंप्लीशन ऑफ सी पैक बॉर्डर क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ सही बात है मूवमेंट होगी अब ये देखें ना इधर ताफ्तान के रास्ते मूवमेंट होगी चमन के रास्ते मूवमेंट होगी तुरखम के रास्ते मूवमेंट होगी खंजराब के रास्ते कराकरम हाईवे के रास्ते वो चाइना का जो रॉ मटेरियल्स आना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आनी इस वक्त दुनिया की ट्रेड पे 60 परसेंट पर तो चाइना छाया हुआ है जब उसके कार्गो की मूवमेंट होनी है तो उसके लिए अगर हमारे पास व्हीकल्स नहीं होंगी तो दुनिया भरी पड़ी गाड़ियों से सही बात है तो चाइना भी आ जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज लाके यहां बैठ जाएंगी, यहां से कमाएंगी और हमारे फॉरन यहां से कमा कर जो है डॉलर्स बाहर जाएंगे फिर तो क्या ये ये बेहतर नहीं है चले इस पे बताएं ये बताएं कि क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग अभी देखें कंपनीज की बात करते हैं तो जहां तक मुझे में कोई शायद 1500 रजिस्टर्ड कंपनीज है ना ये लॉजिस्टिक्स वगैरह के हवाले से अब मजीद तो आप ही बताइए ये बताएं कि नहीं, क्या नहीं, तो, तो ज़्यादा हैं तक कितनी होंगी तो सर क्योंगी? हजारों के हिसाब से कोई, बा... कोई, कोई, अंदाजा चलें ठीक है बारह बारह सौ कंपनी जो हैं वो तो कराची गुड्स कैरी एसोसिएशन की हैं ठीक है तो होंगी कोई तीन चार हजार के करीब होंगी कंपनी नहीं नहीं सर दस हजार से दस हजार ज्यादा ये बताए कि तमाम के तमाम लोग हाँ जी इतनी सकत रखते हैं कि ये दस लाख गाड़ियां ख़ुद खरीद पाएंगे और जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं हाँ जी तो अगर ये फाइनेंसिंग हमारे बैंक्स की तरफ से होगी तो बैंक्स के बारे न्यारे हो जाएंगे सर देखें हमारा प्राइवेट सेक्टर इस पोजीशन में कतन नहीं है ठीक है फिल वक्त जिस रेट पे ये गाड़ियों के जो रेट्स हैं जिन जिस शराह पे बैंक जो हैं वो, ए, वो लीजिंग दे रहे हैं इस रेट पर प्राइवेट सेक्टर जो है इस खला को पूरा नहीं कर सकता इसके रेट है तीन चार फीसद के करीब हाँ। उसमें फिर ये इनको भी एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ये अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट आ रहा हमने इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए इनको हर तरह की फैसिलिटेशन जो है वो देनी पड़ेगी, देनी देनी पड़ेगी। जब ये देंगे सर मल्टी नेशनल अगर बाहर के लोग भी पाकिस्तानी बाहर ब, बैठे हैं जिनके पास है है सर दिखें, कहते हैं पैसे को पैसा कमाता है। सही बात है ठीक है ना दौलत को दौलत कमाती है जब उनको पाकिस्तान में कोई आउटपुट नजर आएगा वो पैसा कम, लाएंगे इन पाकिस्तान सरमाया पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल होगा और यहाँ बड़े बड़े फ्लीट जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगे हम पूरा तो नहीं कम अज़ कम कुछ पैंतीस चालीस परसेंट शेयर तो लेना कम अज कम सही बात है सही बात है अभी जो दस लाख गाड़ियों की आपने बात की है ये बताएं दो चार चीज़ें कि हुकूमत किस चीज़ में छूट दे आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तो लिए वन विंडो वन विंडो फैसिलिटी के तहत पूरी दुनिया की हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी को पाकिस्तान के अंदर अपने मैनुफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावा दे ठीक है ठीक है इस हवाले से आ गई हाँ पहली बात कुछ कंपनीज के नाम सर आ, ये फोर्ड वगैरह हैं बहुत बहुत कंपनियाँ सर बहुत ही कंपनियां हैं हॉलैंड की कंपनियाँ हैं जर्मनी की कंपनियाँ जब उनको वन विंडो के तहत ये फैसिलिटेट करेंगे यहाँ तो जो आता है उनको ऐसे घुमाते हैं कि वो भाग जाता है <laughs> अच्छा उनको वन विंडो के तहत अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए अपने मुल्क केवाम के लिए पाकिस्तान की मजबूती के लिए पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर पाकिस्तान है तो इन लोगों के ये सारे वारे आ रहे सही हैं। बात है पाकिस्तान है तो इनके सारे ये नखरे हैं ये सारी खरमस्तियां तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये खाली बातें करने से कुछ नहीं होता सर हुँ, हुँ। गुफ्तार का गाजी जो है कभी कामयाब नहीं होता करदार का गाजी जो है बिल्कुल ठीक वो बनने की कोशिश करें नहीं कर करें ये प्रोजेक्ट यहां लगा दें हैवी व्हीकल्स बनाने के कारखाने लगा दें जब थर्टी फोर्टी परसेंट प्राइसेस कम हो जाएंगी पहली बात दूसरी बात ये है कि बैंक जब मतलब तीन साढ़े तीन परसेंट पे ए, 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 इनको लीजिंग फैसिलिटी देंगे तो यही ट्रांसपोर्ट सेक्टर पाकिस्तान में बैठे हुए बाहर मालदार लोग जो हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और आप ये देखेंगे पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये धुआं देने वाली गाड़ियां नहीं होंगी फिर आपके पास hmm. फिर यू विल बी प्राउडफुल ऑन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान यार जब गवर्नमेंट कुछ देगी नहीं तो ये धुआं देने वाली गाड़ियां चलती हैं ये शुक्र करेंगे यही चल रही हैं यार देखें कोई हम दूर नहीं जाते ये करीब की एग्जाम्पल है थाईलैंड देखें आप जब बैंकॉक से आप पटाया की तरफ जाएं तो सीधे हाथ पास देखें क्या फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वहाँ पर और वहाँ पे देखें किस किस्म की मॉडर्न वहीकमेंट सर वो आप सुन लें सिंगापुर वगैरह में ये हम गाड़ियाँ इम्पोर्ट जो हो रही हैं इस वक्त हम इस पोजिशन में ज़्यादा लोग तो है नहीं कि नई गाड़ियाँ खरीद सकें अब क्या होता है वो सेकंड हैंड रिकंडीशन गाड़ियाँ सिंगापुर से आ रही हैं पाकिस्तान ठीक है ठीक है नहीं वो सिंगापुर से अभी अभी नहीं आ रही पिछले काफ़ी आई थी अभी तो पाबंदी मतलब लगी हुई है वो आ रही थी वो लोग सात साल चलाने के बाद उसको अलाउ नहीं करते वहाँ चलने के लिए और वो आ, हम लोग जो है उसे इम्पोर्ट करके फिर उसे बीस साल चला लेते हैं देखिए ठीक है ना सर तो मसला ये है कि हम उन उन कंपनियों को जो कार बनाने वाले हैं उनके कारखाने यहाँ लगवाएं और ये रीकंडीशन गाड़ियाँ इम्पोर्ट करने पे ड्यूटी ख़त्म कर दें ये हर तरफ कमाने के चक्कर में लगे देखिए सर मैं आपको एक बात बताऊं कौन कौन वैसे कमाने में गवर्नमेंट गवर्नमेंट देखिए गो रीकंडी रीकार्गो रिकंडीशन री गाड़ियां अगर इनको सी पैक में एक पॉजिटिवली ये हैं हैं उससे फायदा लेना चाहते तो इन लोगों को सिंगापुर से या दूसरी जो इम्पोर्टेड रिकंडीशन गाड़िया इम्पोर्ट करने की और मेरे ख्याल में कि उस पर ड्यूटी फ्री कर देनी चाहिए सिंगापुर तो दुनिया का देखें ट्रेडिंग हब है ट्रेडिंग हाँ उनकी इकोनमी का साठ फीसद सिर्फ इस ट्रेडिंग पे ही डिपेंड करता हाँ है ठीक है ना ट्रेडिंग अब तो उसको ये उस पर ड्यूटी फ्री कर दें गाड़ियाँ मैक्सिमम आएंगी और तैयार होंगी कम अज़ कम ये इस सिस्टम में दाखिल होती जाएंगी उस वक्त तक नए कारखाने लगें यहाँ नई गाड़ियाँ बननी शुरू हो जाए कीमतें कम होंगी ये गाड़ियाँ जब चलेंगी गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा सही बात ये टोल टैक्स से अठारह बीस अरब रुपया तो टोल टैक्स से कमाते हैं तो जब गाड़ी ज़्यादा चलेगी ये जरूरी है कि इन्होंने ड्यूटी से कमाना है सही बात इनको तो पैसा चाहिए ना जी जब वो गाड़ियाँ चलेंगी वो अपनी पास गाड़ी की फिटनेस से पैसा कमाएंगे गाड़ी की टोल टोल प्लाजे जो बने हुए हैं आप तो सारे बी पे बन रहे हैं सही बात ठीक है नहीं और इससे बेनीफिट तो, भी है बी से बेनिफिट भी है बेनिफिट है हम ये कहते हैं कि आप उसमें से जब गाड़ियाँ चलेंगी तो वो इनको टोल टैक्स देंगी अब एक आप ये देखें कि एक हैवी यहाँ से लाहौर तक जाती है वापस आती है आठ हजार रुपये बाकी पुलिस की बदमाशी जो है वो लहदा से है बाकी टैक्स जो है वो लहदा से है सिर्फ गवर्नमेंट का टोल टैक्स की बात कर रहा हूँ बाकी पासिंग जो ऑफिशियली कि टीमें जाता है वो आठ हजार रुपये ठीक है नहीं तो अब ये कि जितनी गाड़ी ज्यादा होगी इनके पास रेवेन्यू उतना बढ़ेगा रोजगार लोगों को बढ़ेगा हमारे पास चार से साढ़े चार लाख जो गाड़ी है उससे पचास लाख लोग जो है ना ये उनका रोजगार वाबस्ता है ये बताएं उनकी हालत मिलियन इन गाड़ियों की हालत इजार कितनी पुरानी होंगी अंदाजे के मुताबिक कि अगर साढ़े चार लाख गाड़ियाँ जैसे आप कह रहे हैं सर इनकी उम्रें बता दें सर सन सत्तर से लेके अब तक ओ माई गॉड वाकई में हाँ जी हाँ जी बिल्कुल यानी कम से कम चालीस साल चालीस साल जी बिल्कुल एक तो आपने बताया ये छोटी गाड़िया जो है ना यह सत्तर पचहत्तर ये वो वाली गाड़ियाँ oh जो स्टैंडर्ड है दुनिया में जैसे आपने कहा कि सिंगापुर में सात साल सेवन इयर्स के बाद वो अलाउ नहीं करते जी बिल्कुल नहीं करते यहाँ पे हम चालीस साल से ज्यादा वो फैसिलिटेट करते हैं ना यहाँ तो गवर्नमेंट सिर्फ टोल टैक्स लेने पर लगी है फिटनेस लेने पर लगी है पुलिस जो है वो शाम को पैसा लेकर घर ना जाए तो मेरे ख्याल में उनको अपनी रोटी नहीं मिलती है तो सारा सिस्टम इस तरह से चल रहा है सारा सिस्टम इस तरह से चल रहा है तो अब यह कि जब प्राइवेट सेक्टर को कोई को किसी किस्म की कि सहूलत नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगी सर उसके पास नहीं है पहले मैं आपको बताऊँ आजम पाकिस्तान से हाँ जी ऐसा इकबाल साहब से हाँ जी इसाक डार साहब से खुरम दस्तगीर साहब से इन चारों से आपकी क्या अल्तजा है मेरी इनसे ये अल्तजा है कि सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर बाकी तो जैसे तैसे काम पहले चल रहा है ना सी पैक के साथ पाकिस्तान की गेम चेंजर अगर है तो वो ऐसे नहीं होगा ज़ाहिर है उसमें इंडस्ट्री पार्क भी बनने हैं इंडस्ट्री लगनी है उसका कार्गो मूव करना होना है इंपोर्ट कार्गो आना है एक्सपोर्ट कार्गो जाना है तो उसके लिए उससे फ़ायदा उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि दुनिया भर की हैवी वहीकल्स मैनुफैक्चर कंपनीज़ को पाकिस्तान में टैक्स फ्री फैसिलिटी दी जाए कि वो आके यहाँ बनाएं इनको बताएं ना कि दस लाख गाड़ियाँ कैसे लाएँगे जब वो सर एकदम तो नहीं आ जानी ना जब फैक्ट्रीज लगेंगी तो आएंगी और दूसरा यह है कि गाड़ियों की इंपोर्ट पे टैक्स फ्री कर दें एंडसन जावे साहब इट वॉज रियली वंडरफुल लेविंग इन द शो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वेल भैयाज़ीन उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं अब तक ले इतना ही अपने मेजबान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए अल्लाह